ट्रैक्टर में पहले आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर ऑप्शन मिलते थे, अब रिसेंटली इस ट्रैक्टर कंपनी ने यहाँ पर बदलाव करके इस ट्रैक्टर को साइड शिफ्ट गियर ऑप्शन के साथ में 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स सुपर शटल गियर ऑप्शन के साथ में लॉन्च कर दिया। ट्रैक्टर के एक और बड़े बदलाव की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले इस ट्रैक्टर में आपको वाटर सेपरेटर की पोजीशन दी जाती थी, अब इस ट्रैक्टर कंपनी ने यहाँ पर डीजल फिल्टर और वाटर फिल्टर को साथ में कर दिया, जिससे इस ट्रैक्टर की पावर परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इन हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड यहाँ पर देख सकते हैं डुअल पावर स्टीयरिंग मिल जाती है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन कवर के साथ में लगा के दी जाती है। हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाते हैं जो कि देख सकते हैं दोस्तों नॉन क्रॉस वाली शाफ्ट से बनाए हुए हैं, आप पढ़ लेंगे स्पेशल के नाम से। हैवी ड्यूटी यहाँ पर 80 kg का बंपर मिल जाता है, मिल जाते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मिल जाता है। ट्रैक्टर में पहले आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर ऑप्शन मिलते थे, अब रिसेंटली इस ट्रैक्टर कंपनी ने यहाँ पर बदलाव करके इस ट्रैक्टर को साइड शिफ्ट गियर ऑप्शन के साथ में 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स सुपर शटल गियर ऑप्शन के साथ में लॉन्च कर दिया गया है, जिससे इस ट्रैक्टर की डिमांड और भी ज्यादा किसानों के प्रति बढ़ चुकी है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आदर्श एग्रीकल्चर में, और दोस्तों चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स को बताने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के कुछ डिफरेंट फीचर्स की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले पावर स्टीयरिंग की। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं डबल पावर स्टीयरिंग मिल जाती है जो कि विद प्रोटेक्शन लगा के दी जाती है दोस्तों, काफी हैवी ड्यूटी बनाई गई है कंपनी की तरफ से। आगे बात कर लेते हैं अब इस ट्रैक्टर के यदि हम बैटरी बॉक्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट 80 एच की आपको यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर मशीन है इस ट्रैक्टर की बैटरी बॉक्स को रखा है दोस्तों। ये ट्रैक्टर लिक्विड कूलेंट के साथ में आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड कूलेंट का आपको यहाँ पर भी बॉक्स मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 55 लीटर की आपको यहाँ पर बेहतरीन फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं बॉश कंपनी के 3 फ्यूल इनलाइन पंप के साथ में यह ट्रैक्टर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर ने यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया है, पहले यहाँ पर वाटर सेपरेटर की पोजीशन आती थी, अब इस ट्रैक्टर कंपनी ने यहाँ पर वाटर फिल्टर और डीजल फिल्टर को साथ में कर दिया है, जिससे इस ट्रैक्टर की सर्विसिंग को यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के रेडिएटर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको इस ट्रैक्टर में रेडिएटर बना दिया गया है, और यहाँ एक्स्ट्रा जाली प्रोटेक्शन के साथ में लगा के दी जाती है, जिससे इस ट्रैक्टर में आने वाला रेडिएटर में कचरा फंस के नीचे ही गिर जाता है। यहाँ पर हॉर्न की काफ़ी अच्छी पोजीशन मिल जाती है, 3 स्टेप ऑयल बार वाला आपको यहाँ पर एयर क्लीनर भी मिल जाता है। चलिए थोड़ा सा लेफ्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट एक्सल की बात करें तो हैवी ड्यूटी इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल बनाए गए हैं जो कि पड़लिंग स्पेशल के नाम से आते हैं। यहाँ पर कंपनी फिटेड यहाँ पर देख सकते हैं 80 kg का आपको यहाँ पर बम्पर भी मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इस ट्रैक्टर में आपको हीट के लिए प्रोटेक्शन लगा के दी जाता है, जिससे किसान भाइयों का हाथ गलती से पड़ने पर भी हाथ ना जल सके। यहाँ अल्टीवेटर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है 12 वोल्ट 36 MPH का बड़ा अल्टीवेटर मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल पंप मिल जाता है, सिंगल ऑयल पंप मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोलिक के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए। यहाँ पर बात करें इस ट्रैक्टर के 12 वोल्ट 2 किलोवाट तक की आपको यहाँ पर बड़ी सेल्फ स्टार्टर मोटर भी मिल जाती है। चलिए दोस्तों आज हम जिस ट्रैक्टर का ऑल ओवर रिव्यू कर रहे हैं उस ट्रैक्टर का हम आपको लुक दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये है मैसी की तरफ से रिसेंटली लॉन्च मैसी का 246 मैसी फर्गूसन डायना ट्रैक, जो कि 4 व्हील ड्राइव के साथ में 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स सुपर शटल गियर ऑप्शन के साथ में मैसी ने इस ट्रैक्टर को उतार दिया गया है। देख सकते हैं आगे डुअल हेलोजन लाइट मिल जाती है, मैसी का डेडिकेटेड लोगो मिल जाता है, मैसी की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ डायना ट्रैक के साथ में ट्रैक्टर आता है तो यहाँ पर भी ब्रांडिंग मिल जाती है, 4WD की भी बैजिंग मिल जाती है दोस्तों। लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 246 मैसी फर्गूसन की यहाँ पर भी आपको बैजिंग मिल जाती है, 4WD की बैजिंग मिल जाती है, डायना ट्रैक की आपको यहाँ पर भी बैजिंग मिल जाती है। काफ़ी शानदार यहाँ पर जाली का कॉम्बो किया गया है, जिससे इस ट्रैक्टर के रेडिएटर में पर्याप्त हवा जा सके दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के साइलेंसर की, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको इस ट्रैक्टर का भी साइलेंसर और काफ़ी अच्छी नॉइसेशन के लिए मैसी इस ट्रैक्टर को बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर है हाथ जले ना उसके लिए यहाँ पर हीट गार्ड लगा के दिया जाता है। चलिए दोस्तों इस ट्रैक्टर के यदि हम टायर साइज की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर फ्रंट टायर मिल जाता है 8x18 का आपको फ्रंट टायर मिल जाता है। यदि हम बैक टायर की बात करें दोस्तों रियर टायर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 14x28 टायर साइज के इस ट्रैक्टर का आता है। चलिए दोस्तों इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फुट स्टेपर से कनेक्ट होकर इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सपाट बनाया गया है। चलिए वो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर ब्रेकिंग लाइट परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है, पैसेंजर ग्रैप हैंडल काफ़ी हैवी ड्यूटी। इस ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं इस ट्रैक्टर के
यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं एनालॉग टाइप में इस ट्रैक्टर का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया मशीन इस ट्रैक्टर की बनाई हुई है दोस्तों, देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी स्मूथ वर्क करती है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स सुपर शटल गियर ऑप्शन भी इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है। यहाँ पर ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए यहाँ की पोजीशन मिल जाती है, 12 वोल्ट की चार्जिंग कनेक्टिविटी, यहाँ टोटल इंजन कटअप सिस्टम आपको भी मिल जाता है। यहाँ बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको नंबर ऑफ गियर 4 मिल जाते हैं, डीसी पीसी के लीवर मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग लॉक का सिस्टम यहाँ पर भी मिल जाता है। बात करें इस ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम की तो मल्टीप्लेटेड ऑयल मैट डिस्क ब्रेक के साथ में यह ट्रैक्टर आता है। लेफ्ट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लो हाई मीडियम के साथ में यह ट्रैक्टर आता है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं पीटीयू के लिए यहाँ पर भी सेपरेट आपको यहां पर भी क्लच मिल जाता है दोस्तों, जो कि अलग अलग सेगमेंट में इस ट्रैक्टर में आप अलग अलग सेगमेंट में इस ट्रैक्टर में आपको पीटीयू 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं एन ई जैसा आपको यहां पर गियर ऑप्शन मिल जाता है, एल पीटीयू जैसे आपको यहां पर भी ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ बात करें इस ट्रैक्टर में आपको 4 व्हील ड्राइव की यहाँ पर शाफ्ट ऑन करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया, क्योंकि यह ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव के साथ में आता है दोस्तों। यहाँ बात करें इस ट्रैक्टर की क्लच की तो मल्टीप्लेटेड ऑयल एमा डिस्क ब्रेक के साथ, यहाँ पर बात करें इस ट्रैक्टर की क्लच की तो ये ट्रैक्टर आता है डबल क्लच के साथ में आता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इस ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं और बात करते हैं इस ट्रैक्टर की सीट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाती है अपने हिसाब से एडजस्ट करने वाली आरामदायक सीट मिल जाती है दोस्तों। चलिए इस ट्रैक्टर के पीछे चलते हैं और बात करते हैं कुछ पीछे के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर और ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है। यहाँ पर टूल को स्टोरेज करने के लिए आपको यहाँ पर भी बॉक्स मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं एलईडी जैसी कनेक्टिविटी के लिए होल्डर बार कप मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप लिंक के 3 पॉइंट मिल जाते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाता है कंपनी फिटेड। यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है यहाँ पर टाली फंसाने के लिए यहाँ पर सबसे हटकर नॉक मिल जाती है। पीटीयू पावर की बात करें तो 39 HP का आपको यहाँ पर मल्टी स्पीड 6 स्पीड के साथ में इस ट्रैक्टर का पीटीयू आता है। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1800 kg की बेहतर क्षमता वाली आपको इस ट्रैक्टर में लिफ्ट कैपेसिटी भी मिल जाती है दोस्तों। यहाँ बात करें इस ट्रैक्टर की यदि हम रात में कार्य करने में, यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में आपको पीछे भी हेलोजन लाइट लगा के दी जाती है। इंडिकेटर लाइट ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है। फेंडर के नीचे गैप की बात करें तो काफ़ी अच्छा मैसी ने इस ट्रैक्टर के नीचे फेंडर में गैप बरकरार रखा है। तो दोस्तों ये थी हमारी मैसी फर्गूसन की तरफ से रिसेंटली लॉन्च मैसी फर्गूसन 246 डायना ट्रैक जो कि 4 व्हील ड्राइव के साथ में आता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।